दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। उसी के तहत मैंने आप लोगों का प्रश्न लिया। एक प्रश्न कॉमनली आ रहा था कि सर क्या करें, हमारा लैब्राडोर खाना नहीं खा रहा है। कोई कह रहा है 5 दिन से नहीं खा रहा, कोई कह रहा है 10 दिन से नहीं खा रहा, कोई कह रहा है 15 दिन से नहीं खा रहा। क्या आपने लैब्राडोर को अच्छी तरीके से समझा है? क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आपने अच्छे तरह से समझा है? देखिए, यहाँ दो बातें होती है। एक बात होती है कि वो अचानक से सुस्त हो गया है और उसने खाना पीना बंद कर दिया है, वो बात होती है किसी सीरियस इश्यू की तरफ इंडिकेशन, यानी किसी सीरियस इश्यू की तरफ है। तो वहां आप ध्यान दीजिए कि उसका टेम्परेचर क्या है, और टेम्परेचर के लिए आप थर्मामीटर रखिए। और मैंने तरीका बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा कि डॉग का टेम्परेचर कैसे ज्ञात किया जाता है। तुरंत आप टेम्परेचर ज्ञात कर लीजिए, टेम्परेचर की बारीकियां उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर हाई है साहब, इसका मतलब उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी वेट से मिलिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिलवाइए, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खेल रहा कूद रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई खासा दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन खाना नहीं खा रहा, ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? पहला जो सबसे बड़ा इश्यू होता है दिमाग में, यही आना चाहिए क्या, चलिए पहला स्लाइड की तरफ, कि क्या आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवाई? भाई आपने कहीं लापरवाही तो नहीं कर दी? डिवॉर्मिंग करवाया अगर 2 महीने हो गए हैं तो तुरंत तैयार हो जाइए ड्रोनटाल प्लस, इजी पेट, कीवो पपी, कीवो टैबलेट्स, बहुत सारी टैबलेट आती है जो पपी स्टेज में होते हैं उनको सिरप दी जाती है 1 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से, और जो बड़े होते हैं उनको टैबलेट दी जाती है। कितनी दी जाती है साहब? ये जो टैबलेट दी जाती है वो 1 tablet प्रति 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, एक बार देनी होती है। तो ये अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई तो पहले ये करवा दीजिए। पहले शुरुआत में तो मैं आपको कुछ चीज़ें, 4 चीज़ें बताऊंगा जो नॉर्मल हो, और फिर मैं आऊंगा कि लैब्राडोर पर आपको क्या विशेष अप्लाई करना चाहिए। तो ये देखिए, नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 आपको क्या करना है, लीव 52। जी हाँ, लीवर टॉनिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीव 52 पेट जो आती है इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करवाइए। ये लीवर के फंक्शंस को, शरीर की ग्रोथ प्रोमोटर में बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। भूख बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ती है साहब, तो कुछ डाइजेशन की बातें भी हम कर लेते हैं, और डाइजेशन रिलेटेड इश्यू लैब्राडोर को हो सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिजिटॉन ये जो आती है सिरप, इसको 5 ml छोटों में और 10 ml बड़ों में आप चालू करवा सकते हैं, और 1-2 दिन में ही वो खाने पीने लग जाएगा। साथ में जाइमोपेट की ड्रॉप्स आती है, इनको छोटों में 10 ड्रॉप और बड़ों में 1-2 ml तक दवा दी जा सकती है, यानी 1-2 ml बड़े डॉग में दवा दी जा सकती है। इसको 5-10 ml आप दिन में एक बार दे सकते हैं। ये हो गई है प्रमुख बातें। अब हम बात करते हैं वो इश्यू जिनकी आपको लैब्राडोर के लिए विशेष है, और वो इश्यू क्या है, बड़ा बारीकी से समझिएगा। ये जो डॉग्स होते हैं ना, इनमें अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई तो धीरे धीरे करके वो खाना छोड़ेंगे, ये तयशुदा बात है। यानी आप अगर कोई भी लैब्राडोर खाना नहीं खा रहा है, उसको आप फुली एक्सरसाइज करवाइए बहुत अच्छे तरीके से, सुबह और शाम आप उसके साथ जाइए, पार्क में घुमाइए, बिल्कुल वो खाने पीने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी थोड़ी खर्च होगी ना, तभी तो वो खाएगा। इसीलिए पहला काम आपको यही करना होता है। दूसरा वर्क होता है, वो होता है फ्रेंड स्ट्रेस का। ये जो डॉग है ना, वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब स्ट्रेस क्या हो सकता है, क्या कोई इसका प्रेमी इससे बिछुड़ गया है, वो डॉग हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो वो अगर है तो उसको आप देखिए। इसके अलावा क्या मौसम का चेंजेस है, इन पर मौसम का बहुत फर्क पड़ता है कि क्या ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से ठंड की तरफ, ठंड से गर्मी की तरफ मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, मतलब इन चीज़ों का भी इसको स्ट्रेस होता है। इसके अलावा शोर शराबा, कई बार हमने देखा है कि नज़दीक में कहीं कथा हो रही थी, कहीं शादी ब्याह है, और वहाँ जो दूर बैठा डॉग है वो भी खाना पीना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उस साउंड का स्ट्रेस होता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो भी आप नोट कीजिए। कई बार घर पे प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले में कई व्यक्ति आते हैं जाते हैं, उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेस हो जाता है। तो आप प्रमुख चीज़ पहचानिए, वो है स्ट्रेस।
तो एक्सरसाइज के अलावा आप स्ट्रेस को पहचान करके अगर आप स्ट्रेस को दूर कर देते हैं, और मैंने जो चार स्टेप आपको शुरू में बताए हैं इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो भाई श्योरली वो खाने पीने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप डॉग ट्रीटमेंट में जानने की इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि हम डॉग ट्रीटमेंट जाने, तो डॉग क्लास में जाकर के रामावत एनिमल ऐप की डॉग क्लास में जाकर के आप हर महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, वो खाना नहीं खा रहा, इंडाइजेशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, पर्टिकुलर एक बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डॉग डिजीज में जाकर के उसी रामावत एनिमल ऐप का एक सेक्शन है डॉग डिजीज, वहां जाकर के हर एक बीमारी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं।